ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट मरकजी सरकार और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी महदूद, हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़म और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती। जाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में, वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है बड़े, कोयले की खदाने या दूसरी खदाने। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाजमात मिले। आज उन लाजमात, अब उन लाजमात से हम कहते हैं कि कोर्ट जाएंगे। हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने अवाम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। पूछा तो नहीं गया। व्हाट नेक्स्ट पॉलिटिकली, कोई और फंडा है या नाउ प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेट उठ देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश
कुछ रखे नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए।